दोस्तों, मैं हूँ अर्पिता, जैसे आप लोग जानते हो। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेके आई हूँ। तो मैंने मेरे को लगा कि जी हाँ, ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये सुन रही हूँ। इनफैक्ट मुझे भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आई थिंक डायरेक्टली लोगों को समझाने की बजाय सोचती हूँ कि अगर मैं इस तरीके से ब्लॉग बनाऊँ तो इस तरीके से मैं 15-20 लोगों को तो समझा सकती हूँ। एक बार में मैं 15 लोगों को नहीं समझा सकती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जब मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी तो 15 से 20 जन तो आराम से समझ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। और आज का ब्लॉग बनाने का मेरा एक ही मकसद है, आपकी कुछ जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो। जैसे काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, एक मैसेजेस आ रहे हैं कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं यानी शराब पीते हैं उनको कोरोना नहीं होगा। तो मेरा जवाब इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ना है, क्योंकि ये जान लीजिए एकदम नकारात्मक सोच है, यानी कि नेगेटिव सोच है। जो लोग सोच रहे हैं कि वो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उनको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि कोरोना इस तरीके से नहीं जाता है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं होगा, लहसुन खाने से कोरोना नहीं होगा, अदरक खाने से कोरोना नहीं होगा। तो जान लीजिए, इन सब से कोरोना नहीं होगा ये नहीं होता है, इन सब से आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होती है। तो कोरोना आपको होना हो या ना हो वो आपको बाद में पता चलेगा, जब आपको होगा या ना होगा वो स्टेज अलग है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इन सब से कोरोना का कोई नाता नहीं है, इन सब से सिर्फ और सिर्फ आपका इम्यूनिटी पावर बूस्टअप हो सकता है। और यस, ये आप बोल सकते हो कि इम्यूनिटी पावर बूस्टअप करने के लिए गर्म पानी या थोड़ा सा अदरक वाला पानी या थोड़ा सा तुलसी अदरक पानी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कोरोना नहीं होगा ये सवाल बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि शराब पीने से कोरोना नहीं होगा ये सवाल बिल्कुल गलत है। तो जो लोग ये मैसेजेस और वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं, काइंडली आप लोग जान लीजिए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप अपने में भी हो सकता है आपका माइंड में कौन सा कैलकुलेशन चल रहा है, आप फनी हिसाब से भेजते हो या फिर जिस भी हिसाब से आप भेजते हो, एक बार जान लीजिए कि इस तरीके से आपको नहीं बचना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोरोना सिर्फ और सिर्फ जो जाता है वो सिर्फ एकमात्र सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से है। क्योंकि अभी हमारे देश की जो आंकड़े हैं 1,40,000 तक पहुंच गए, पूरा टोटल इंडिया का बता रही हूं मैं तो। और उसमें से प्लस माइनस आपको पता ही है, हमको पूरा एग्जैक्ट फिगर पता नहीं होता है, एग्जैक्ट फिगर पता होता है तो धमाल मच जाना है, एकदम सही बात है ये। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना जाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हाथों को अच्छे से धोना है और अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप किस लिए करना है, ताकि कोरोना का जो ये जो वायरस है हमको इफेक्ट ना कर पाए, हमको पूरी तरीके से झकझोड़ ना कर पाए। बस ऐसा अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है जिनको पता ही नहीं चल रहा है उनको कोरोना हुआ है, वो घूम रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टेज, लास्ट स्टेज में जाके उनको पता चलता है कि उनको कोरोना हो रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी होती है तो उनको काफ़ी सारा इफेक्ट नहीं कर रहा है बुरी तरीके से। लेकिन ये भी एक गलत तरीका हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए आपके घर में कोई लेस इम्यून पर्सन है, आपसे वो दूसरे लेस इम्यून पर्सन को अगर वो चला जाता है तो फिर सोचिए वो उस इंसान के लिए कितना घातक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, कि आप सोचोगे कि चलो मैं तो बहुत इम्यून हूँ, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरे को ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती है, मेरे को शुगर नहीं है, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम एकदम ओके है, फैंटास्टिक है, तो मैं आराम से बाहर घूम सकता हूँ, मुझे अगर कोरोना भी हो गया तो क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल गलत सोच है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके घर में अगर बुजुर्ग है, तो आप जान लीजिए आपसे वो बुजुर्ग इंसान को या फिर उस छोटे से बच्चे को अगर एक बार हो जाता है तो ये बहुत घातक हो जाएगा सिचुएशन, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत पुअर होती है, पुअर इन सेंस वो डेवलप हो रही होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनका लंग्स, उनका लीवर, उनका एवरी बॉडी का पार्ट्स काफ़ी डेवलपिंग पोजिशन में हो रहा होता है, वो बन रहा होता है, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। इसी के कारण बच्चों को ज़्यादा आपको सतर्क रहने कहा जा रहा है, कि बच्चों को एकदम अच्छे से अलर्ट रहिए, बच्चों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्ग जैसी उम्र होती है, स्पेशली 60 आप होने लगती है, फिर भी 55+ से कहा जा रहा है कि ऐसे उम्र वाले लोगों का खास ध्यान रखें। और स्पेशली अगर कोई व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित हो, जैसे मान लीजिए डायबिटीज और इसी तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम हो या डायग्नोसिस चल रहा हो उनका, तो ऐसे इंसान को खास करके आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और ऐसी नकारात्मक सोचें नहीं रखना है। बीच में आई थिंक सेलिब्रिटीज लोगों ने, बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटीज़ों ने मिलकर एक वीडियोज बनाया था मत कर फॉरवर्ड करके, मैं उसका बहुत अच्छा समर्थन करूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली आप कुछ भी आपको कोई फॉरवर्ड कर रहा है आप उसे फॉरवर्ड मत कर, क्योंकि बीच में मैंने भी एक बार ऐसे किया था और मुझे बहुत बुरा सबक मिला इसका। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बार एक औरत ने कुछ
सेंड किया था, कुछ मैसेज गलत मैसेज देके फॉरवर्ड किया था कि भारत में बहुत बुरी तरीके से लॉकडाउन चालू होगा, बहुत सारी चीज़ों के खाने की महामारी लग जाएगी, ये वो, और आप लोग प्लीज़ स्टॉक अप करके रख लीजिए। ये लॉकडाउन 21 दिन के बाद था जब लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड होने वाला था, तो मैंने भी ये मैसेज फॉरवर्ड किया। उसके बाद मुझे जाके पता चला कि ये औरत, नेक्स्ट दिन ही ये औरत ने मैसेज गलत दिया है, उसने माफ़ी भी मांगी। तो सोचिए, हम लोग बेवकूफ़ों की तरह सोचते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं जो सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो इस तरीके से सोच के हम किसी को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हम गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और दूसरों को भी अलाउ कर रहे हैं कि आप भी फॉलो कीजिए, और लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोग काइंडली एक चीज़ कीजिए, लोगों के मन में डर मत पैदा कीजिए कोरोना लेके, लोगों के मन में विश्वास पैदा कीजिए कि हाँ, हम इससे लड़ सकते हैं, हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, और हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कोरोना अगर होता है तो सबसे पहले मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको कोरोना हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर वो सिम्टम्स आ रही है, जैसे छींकें आ रही है, आपके घुटनों में दर्द हो रही है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसके जो सिम्टम्स है वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मान लीजिए एक आध आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है लगातार, आपको सर दर्द हो रहा है, आपको छींकें आ रही है, आपको कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू जैसा, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको अचानक से डायरिया स्टार्ट हो गया, ये सिम्टम्स अगर आपको हो रहा है, तो आप डेफिनेटली अभी जैसा हालात है तो हर कोई सोचेगा कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। तो अगर आपका दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना है अपने सारे फैमिली मेंबर से दूर। और सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, मास्क पहनना है। अपने आप को मास्क पहन लेना है, अपने घर में कोई चीजों को ज्यादा मत छुइएगा, एक रूम में रहिएगा, कोशिश कीजिए, मैक्सिमम होता क्या है, लोगों के घर इतना रूम होते नहीं है, पर्सनल रूम्स बहुत मुश्किल होते हैं काफी होके, लेकिन फिर भी अगर आपकी है तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को अलग से क्वारंटीन कर लीजिए, और सबसे पहली चीज जब आप टेस्ट करने जाते हैं तो कोशिश कीजिए आप जिस भी गाड़ी में जाते हो या ऑटो में जाते हो, आप अकेला अकेले रहे और कोई ना रहे, आप मास्क पहन लीजिए, और ट्रिपल मास्क पहनिए, सिंगल नहीं ट्रिपल, और अपने हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए। ध्यान रखिए जब आप टेस्ट करने जा रहे हो, और टेस्ट करके जब आते हो तब भी आपको ध्यान रखना है, फटाफट सैनिटाइज कर लेना है, क्योंकि आपकी जो, अगर आप मान लीजिए आपके अंदर में कोरोना के वायरस है, तो कोरोना वायरस के इतने स्ट्रांग इफेक्ट होते हैं कि वो फटाफट आपके आपकी जो ब्रीदिंग से है वो निकल आ सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फिर से ये एक से दो, दो से तीन, और इस तरीके से हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। तो आपको सबसे, अगर आप सावधान रहते हो तो ये हजारों लोग तक नहीं पहुंचता है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपकी होती है जो संक्रमित है। मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज अपना ध्यान रखिए और इन सब चीजों को फॉलो करते रहिए, हाथ को अच्छे से वॉश कीजिए, और जो भी चीजें आप बाहर से लेके आ रहे हो उनको भी वॉश कीजिए, और कोशिश कीजिए ऐसी जगह पे रखने की जहाँ थोड़ी सी, एटलीस्ट थोड़ा सा, सन का कांटेक्ट, मतलब सनलाइट का जो कांटेक्ट है वो आ रहा हो। जैसे विंडो स्पेशली ऐसी जगह होती है, तो हम लोग का विंडो में काफ़ी एरिया है तो हम लोग वहीं पे ही रखते हैं, तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगी ऐसी, या फिर बालकनी में एक जगह कर लीजिए जहाँ पे आप रखोगे तो वहाँ पे विंडो का कांटेक्ट हो। अदरवाइज क्या होता है, आप घर में रखेगा तो आप वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ हो सकता है, तो वो जगह पे आप रखोगे तो काफी अच्छा आपका हेल्प हो सकता है, और बाद में आप उस जगह को क्लीन भी कर दे सकते हो। फिर से आपने थोड़ा सा पानी में डिटॉल मिला के अच्छे से वो जगह को क्लीन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। और अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब ये वीडियोस शेयर करते हो, ऐसे इस तरीके के वीडियोस आजकल बहुत आ रहे हैं कि पानी पी लियो, गर्म पानी पी लो, कोरोना नहीं होगा, तो लोगों में पता है ऐसे दहशत आ गई है कि हम गर्म पानी पी लेते हैं हमको कोरोना नहीं होगा, हमको तो कुछ नहीं होगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम गर्म पानी पी रहे हैं, हम लहसुन खा रहे हैं, हम अल्कोहल लेते हैं, हमको कैसे कोरोना होगा, हमको कोरोना नहीं होगा, हमको डरने की कोई बात नहीं, हम बिना मास्क के बाहर जा सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो समझ जाइए, और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी मैं बाहर देख के आई हूँ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है लेकिन यस, काफ़ी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या साइकोलॉजी चल रही है, या फिर वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं, जो खुद वो भी मास्क नहीं पहनते हैं, तो ये सोच रहे मैं भी डोनाल्ड ट्रंप जी को फॉलो करता हूँ, मैं भी मास्क नहीं पहनूंगा, सारी दुनिया तो पहन रही है। ऐसा सोचिए बिल्कुल मत सोचिए कि सामने वाला पहन रहा है तो मुझे पहनने की जरूरत नहीं है, आपको भी बिल्कुल पहनना है, क्योंकि मान लीजिए सामने वाले ने पहन रखा है और वो संक्रमित है, तो सोचिए उसके हाथ वगैरह उससे जो जर्म से आपको आराम से इजीली हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी टच हो,
और कहा जा रहा है कि जड़ उसका अब उड़ने भी लगा है, इसके फीचर्स कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो लोग मैसेजेस सेंड करते हैं ना इस तरीके से फॉरवर्ड करते हैं कि अल्कोहल पीने से कोरोना नहीं होता है, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं उनको कोरोना नहीं होता है, जो लोग गर्म पानी पी रहे हैं कोरोना मर जाता है, नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि आप सोचिए लोग क्या सोचेंगे जब लोग जो जिनको मतलब बाहर के लोगों को जब पता चलेगा कि हमारे देश में लोग इस तरीके से गलत गलत न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं और लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदा फॉरवर्ड करता है वो इसका मतलब फॉलो कर रहा है, उसे मान रहा है, तभी तो फॉलो कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है ना, अदरवाइज आप क्यों फॉरवर्ड करोगे। तो प्लीज़ फॉरवर्ड मत कीजिए ऐसे मैसेज, और सबसे पहले इसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि यह मैसेज सही है कि नहीं। क्योंकि अगर आप एक गलत मैसेज फॉरवर्ड करते हो ना, तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को है, क्योंकि अगर लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो बस और कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, जैसे जब मोदी जी ने कहा था हाथ तालियां कर हाथ क्लैप करने या फिर कुछ बजाने कहा था, वो किस लिए कहा था पता है आपको? मैं काफी लोगों के पास सुनती हूँ कि वो थाला बजाने से या चम्मच कटोरी बजाने से जर्म्स मर जाएंगे, जर्म्स चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, आपको जाननी चाहिए एक्चुअली वो एक्चुअली इसलिए कहा गया था। ये जो हमारे देश में इतने मुश्किल से इतनी मुश्किल घड़ी में जो डॉक्टर्स और पुलिस और नर्सेस, ये जितने भी ये सारे फिर से इंक्लूडेड है, सफाई वाले सब काम कर रहे हैं, तब से काम कर रहे हैं, 22 मार्च से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है इनको छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं मिली है, इनफैक्ट ये ओवर टाइम कर रहे हैं। तो सोचिए इनकी मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें कहा गया था, इनको शाबाशी के लिए, इनको फिर से एक मनोबल इनका फिर से इस लेवल से इस लेवल तक आए उसके लिए हमसे कहा गया था कि हम कुछ भी हो, अपने बालकनी में खड़े हो या बरामदे में खड़े हो या जहाँ भी हो जाए इंसान, आप उन्हें क्लैप करके या फिर थाली बजा के अभिनंदन करें, बस इसलिए कहा गया था। लेकिन काफ़ी लोगों ने वो मैसेज भी सही से नहीं फॉलो किया, वो मैसेज का गलत मीनिंग निकाला गया, जोर जोर से बरतने बजाई गई ताकि इस ध्यान के साथ कि कोरोना भाग जाएगा। तो काइंडली आप लोग तो प्लीज़ एक बार अगर आपको लगता है कि अब ठीक मान लेती हूँ आप लोगों को सोच हो सकती है, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, आपके घर में और भी 5 सदस्य होंगे, उन 5 सदस्य से पूछ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद चीज़ों को फॉरवर्ड कीजिए। बस इतना ही है कहने का मतलब। मुझे लगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जैसे हमारे यहाँ पे अम्फान हुआ है, मतलब वेस्ट बंगाल में स्पेशली कोलकाता में पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोलकाता की हालत बहुत ख़राब है, मैं अब भी देख के आई हूँ, और वो ब्लॉग शायद आपको कल मिल जाएगा। पेड़ जो काटे हैं ना वहीं पे पड़े हुए हैं, अभी तक उठाने का भी चांस नहीं है उनका, वो जगह में पड़े हैं। कोई बंदा अगर अचानक से घुस जाए ना अंधेरे में तो चोट लग जा सकती है, ऐसी हालत हो रखी है। तो बहुत हालत ख़राब है, शायद थोड़ा वक्त लगेगा, 5 दिन हो गया, आई डोंट नो और कितना वक्त लगेगा, बट मेरे ख्याल से उठा देना चाहिए था, इनका बंदोबस्त कर देना चाहिए था। एटलीस्ट काफ़ी लोगों ने क्या किया, पार्क में रखे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि पार्क जो है काफ़ी बंद है, सारे के सारे पार्क्स बंद है, आपको पता ही है हमारे एरिया में भी सेम सारे के सारे पार्क्स बंद है, तो पार्क्स में कोई नहीं जाता, तो आप वहाँ पे रख सकते हो आराम से, आप 20-25 दिन रख लो, आराम से रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। लेकिन आप ऐसे रोड में पड़ा हुआ है तो अचानक से गाड़ी घुसाते हैं ना, तो वो सामने में आ जाता है, तो गिरने का या कोई दुर्घटना होने की काफ़ी चांसेस है। तो मेरे ख्याल से मैं प्रशासन से ये भी बोलना चाहूँगी, आप लोग देखिए ये वाला काम भी देखिए और कुछ कीजिए, क्योंकि रास्ते में इस तरीके से पड़ा रहेगा तो किसी को भी लग सकता है अंधेरे में, सुबह तो फिर भी दिखाई देता है, रात में काफ़ी जगहों में लाइट ही नहीं है, अभी भी रास्ते के लाइट नहीं आए, घरों में तो फिर भी मैंने देखे काफ़ी घरों में लाइट्स जल रही है, लेकिन मैंने फॉलो किया, मैंने अच्छे से नोटिस किया कि कौन सा घर है जो बिल्कुल लाइट नहीं जल रहा है, तो मेरे को रास्ते में सारी की सारी लाइट देखा मैंने, घर में लाइट आ गई है, तो ये एक खुशी की बात है कि सबको लाइट मिल रही है, मतलब पानी वगैरह भी अच्छे से मिल रहा है सबको, क्योंकि ये 3 दिन हमारे जिस तरीके से बीते हैं वो हम ही जानते हैं। आई थिंक अगर आप भी वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता से हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल के सारे हिस्सों में नहीं हुआ ऐसा, जैसे मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नॉर्थ 24 परगनास और साउथ 24 परगनास में ऐसा हुआ है, और स्पेशली कोलकाता में, और दीघा को जस्ट हल्का सा छू के निकला है और कुछ नहीं हुआ है बस। और कोलकाता की तो हालत आई थिंक आप लोगों को पता ही चल गई होगी मैंने जो ब्लॉग्स दिए हैं, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सतर्क हो जाइए, क्योंकि आगे सामने और क्या क्या है लिस्ट में हमें नहीं पता है, तो बस स्टे स्ट्रांग एंड स्टे होम। ओके, अगर आपको कोई ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए,
और बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और बाहर अगर निकलते भी हो तो काइंडली मास्क पहनिए, क्योंकि काफी लोगों के ऑफिस भी स्टार्ट हो गया है, तो ऑफिस करना भी जरूरी है। लॉकडाउन एक शासन, मतलब एक लॉकडाउन, सिर्फ लॉकडाउन ही सोल्यूशन नहीं है, राइट? सही कहा ना मैंने, सिर्फ लॉकडाउन सोल्यूशन है क्या किसी देश को चलाने के लिए? हमें लॉकडाउन के सारे नियमों को पालन तो हम लोगों ने किया ही है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनका क्या? सोचिए उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से किन्हें भुगतना पड़ रहा है, हम सबको। तो अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाइए और अपने देश को बचाइए, खुद को बचाइए, खुद के घर वालों को बचाइए, आस पड़ोसों को बचाइए। सिर्फ आपके हाथ में है, गलत मैसेज मत फॉरवर्ड कीजिए। एक बार उसका जांच पड़ताल कर लीजिए कि ये मैसेज सही है कि नहीं, किसी को भी फॉरवर्ड करने से पहले। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, उससे हमारी हमारी मेंटालिटी पता चलती है। जैसे कोई कोविड को लेके आप फनी मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हो, उससे आपकी मेंटालिटी पता चलती है कि आप उस कोविड को लेकर कितना सीरियस हो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बाकी तो समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। एनीवेज बहुत ज़्यादा आप बोल दिया होगा शायद, और प्लीज़ बोलने का मतलब इतना ही है कि आप लोग कुछ सीखे और कुछ फॉलो करें, बस इतना ही बोलूंगी। लास्ट में आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगी कि प्लीज़ गलत मैसेज मत फॉलो कीजिए और फॉरवर्ड भी मत कीजिए। अगर कोई करता है तो उसे भी बोलिए, मना कीजिए कि ऐसे मैसेजेस मत फॉरवर्ड करो, ताकि आपको पता चले कि और ऐसे कितने लोग हैं जो गलत गलत मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।